हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बीपीएससी का है जो कि बीसीएसबीसी द्वारा जो बिहार सिपाही की जो सेकेंड शिफ्ट की है उसका मैं क्वेश्चन के साथ आंसर बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप लोगों का मेरा उद्देश्य यही है कि आप लोगों को मतलब एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन हालांकि टफ हैं फिर भी आप ला लें। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत में मक्का द्वितीय सर्वाधिक उत्पादक कौन है, तो राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद है जो कि आपको दूसरे क्वेश्चन पर देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है आपको हेयर आर सेंट्रेटेड है जो कि, और उसका आंसर क्या हो जाएगा इसको मैं पूरा पढ़ देता हूँ। तो रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई द रजिस्टर बिलोंग्स टू। हेयर आर सेंट्रेटेड द होप्स एंड एस्पायरेशन एंड फेथ ऑफ द एंटायर ह्यूमन रेस। तो इसका दो का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, फॉर्मल हो जाएगा। तीसरा, मीराबाई की भक्ति थी निम्नलिखित में से, तो क्या हो जाएगा तीन का, तो तीन का आपको सिंगार हो जाएगा, अभाव, तो ए हो जाएगा। उसके बाद बम्बई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी, तो चार का क्या हो जाएगा, 18 जनवरी 1946 को हुई थी, मतलब ये 18 फरवरी 1946 हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक में मैंगनीज की अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या है, तो छः का क्या हो जाएगा आपको, KMnO4, मतलब ए हो जाएगा। उसके बाद 7 नंबर देखते हैं, कस्टमर्स में प्रोवाइड यू विथ देयर कॉल नंबर एट 1 पॉइंट बट दैट डज नॉट ग्रांट यू द राइट टू टैक्स देम, देयर हैव एक्चुअली बीन प्लेंटी ऑफ लॉ सूट्स रिजल्टिंग फ्रॉम एडवर्टीजमेंट विदाउट परमिशन। तो इसमें क्या हो जाएगा आपको 7 का, तो 7 का आपको हो जाएगा टेक्स मैसेज हो जाएगा। मीराबाई किस काल की थी, बहुत आसान क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन की संख्या बहुत कम है, तो भक्ति काल हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन क्या है, तो चूज द करेक्ट फॉर्म द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फॉर्म द गिवेन ऑप्शन। द बैलून्स राइजेज इन द एयर, द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट, ही फर्दर सेड डू यू नो द रीजन। तो 9 का आंसर क्या होगा, तो इसको जवाब देते हैं, तो 9 का आपको द साइंस हो जाएगा, द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द साइंस टीचर एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट डेट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको तो इसका आंसर जो कि अनक्लियर है, इसलिए मैं भी इसको नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि सारे जो कि ऑप्शन है जो कि द स्टूडेंट साइंस टीचर एक्सप्लेन टू दीज हो जाएगा, द स्टूडेंट दैट, तो सब में है। उसके बाद आते हैं 9वां का बाद में बताऊंगा, 10 नंबर क्वेश्चन आता हूँ, थोड़ा सा आपको आगे पीछे में परेशानी हो सकती है तो थोड़ा सा वेट कर ले। तो 10 नंबर है जो कि क्वेश्चन है जो कि आप थोड़ा इंतज़ार कर ले, क्योंकि मैं इसका सेट नहीं कर पाया हूँ। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन अब आ गया है, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल दर्पण में से एक वस्तु कितनी दूरी पर रखी जाए कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का आधा प्राप्त हो, तो 10 का क्या हो जाएगा आपको, तो 10 का 40 सेंटीमीटर हो जाएगा, सी हो जाएगा। 11, चालू खाते के लेन देन हेतु भारतीय रुपये को कब से पूर्ण परिवर्तनीय किया गया है, तो 11 का क्या हो जाएगा आपको, 1994 वी। गुणसूत्र जिनमें गुणसूत्र बिंदु अनुपस्थित होते कहलाते हैं, तो क्या हो जाएगा आपको, मेटासेंट्रिक हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा मैनेडियम द्वारा निर्मित हाइड्राइड का प्रकार है, तो 13 का क्या हो जाएगा, न्यून सहसंयोजी हो जाएगा, मतलब डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों की पत्तियों का उल्लेख करता है, तो क्या हो जाएगा, 14 का, तो यजुर्वेद हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 15, एक द्रव की बूंद व एक साबुन के बुलबुले की त्रिज्याएं समान है, यदि द्रव की बूंद में दाब अधिक का मान P1 और साबुन के बुलबुले का अधिक का मान P2 हो, तो क्या होगा, 15 का आंसर क्या होगा, तो 15 का आपको P1 बराबर 2P2, मतलब आपको B हो जाएगा।
किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की है, तो क्या हो जाएगा 16 का, तो 16 का आपको अशोक मेहता समिति मतलब सी हो जाएगा। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक हैं, तो 17 क्या हो जाएगा भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा, मतलब सी हो जाएगा। अब आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में, सीरियली वायु बताने का, अब 18 आ गया है। तो जिंदगी नामा, मतलब ये सब जो क्वेश्चन हैं काफ़ी टफ क्वेश्चन हैं, और ये कौन लिखे हैं, कृष्णा सोबती ने लिखे हैं। जिंदगी नामा उपन्यास किसके द्वारा रचित है, अधिक सरल रेखे पूर्ति वक्र का क्षैतिज अक्ष पर अंततः चाप ऋणात्मक हो तो पूर्ति के लोच का मान क्या होगा, तो 19 का क्या हो जाएगा एक से अधिक हो जाएगा। 20, निम्नलिखित में से किस रचना ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अलग पहचान दी, तो ये थोड़ा सा आसान है, उसने कहा था। उसके बाद जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक लिंगानुपात वाले राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, तो 21 का क्या हो जाएगा डी हो जाएगा 18। एकाधिकार में पूर्ति वक्र का होगा, तो 22 का क्या हो जाएगा, तो 22 का आपको 22 है, तो इसका आंसर है जो कि इसमें अभी नहीं बता पाऊंगा। 23 नंबर देखते हैं, चुका भी नहीं हूं रचनाकार के शमशेर बहादुर सिंह का पुरस्कार है जो कि मिला है, तो क्या हो जाएगा 23 का, तो 23 का आपको हो जाएगा ए हो जाएगा। साहित्य अकेदमी, किसने राज को पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार कहा था, तो 24 का क्या हो जाएगा हीगल ने कहा था, ये हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य गंगा बेसिन का भाग नहीं है, तो 25 का क्या हो जाएगा आपको आंसर पंजाब हो जाएगा। फिर 1/(x-2) बड़ा है 0, तो हल क्या होगा इसका, तो इसका हल क्या होगा, तो 26 का क्या हो जाएगा एक्स ही और मतलब 2 हो जाएगा, 2 वाला कौन है ये है, तो ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद एक आमीटर का प्रतिरोध 10 ओम है और यह 50 एम्पीयर तक की धारा को माप सकता है, इसमें अतिरिक्त संट जोड़ने पर यह आमीटर 75 एम्पीयर तक की धारा को जोड़ने में सक्षम हो जाता है, अतिरिक्त संट का प्रतिरोध क्या होगा, तो ये क्वेश्चन जो है आपको 27 नंबर का है, तो 27 नंबर का आंसर क्या होगा, तो 27 का आपको, तो 27 का भी इसको बनाना पड़ेगा, तो ये भी बाद में इसके बताऊंगा। 28 नंबर अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ है, अट्ठाईस नंबर का क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ, 28 नंबर, तो प्रशीतक जल को ठंडा रखने के लिए उपयोग में ली जाने वाली गैस कौन सी हो जाएगी, तो 28 का क्या हो जाएगा गैसीय अमोनिया हो जाएगा। उसके बाद 29, आयो फॉर्म में आई ऑक्सीकरण संख्या क्या है, तो 29 का क्या हो जाएगा +7 हो जाएगा, बी हो जाएगा। उसके बाद कृषि प्रतिवेदन 2019 अनुसार भारत में गन्ना का द्वितीय सर्वाधिक है जो कि उत्पादक कौन हो जाएगा, तो 30 का क्या हो जाएगा आपको, तो 30 का महाराष्ट्र हो जाएगा। उसके बाद है जो कि दोहरा अभिशाप दलित आत्मकथा, ये तो मैंने भी कभी नहीं सुना ऐसे क्वेश्चन हैं, तो कौशल्य बैसंत्री हो जाएगा। 3 रुपये में दे दोगे तो कंबल कहाँ से आवेगा, यह कथन है, तो ये तो कुछ कुछ आपने पहले सुना होगा, तो ये मुन्नी का है, ये ठंड हल्कू का वाला जो कहानी है आपको बचपन में आपने पढ़ी होगी, तो सी हो जाएगा इसका आंसर। फिर निम्नलिखित में कौन सा तत्सम फलन है, तो 33 का क्या हो जाएगा, तो 33 का आपको FX हो जाएगा बराबर X वाला हो जाएगा, मतलब D हो जाएगा। उसके बाद आते हैं हड़प्पा के निवासी के साथ व्यापारिक संबंध रखते थे, तो 34 का क्या हो जाएगा आपको मेसोपोटामिया हो जाएगा। राजपूत काल में कौन सी नवीन जाति जो कि प्रमुखता से आई थी, तो 35 का क्या हो जाएगा आपको, तो ये कायस्थ, ये पहले शिफ्ट में भी थी। उसके बाद है जो कि बिहार राज्य के 2020-21 में बजट में GSDP के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या था, तो 36 का क्या हो जाएगा, तो 36 का आपको 3.5% हो जाएगा। उसके बाद प्रणव स्तंभ का उदाहरण है, तो 37 का क्या हो जाएगा आपको स्पेरेगास हो जाएगा। अब 38 नंबर देखते हैं क्वेश्चन कहाँ है, 38 नंबर भी आपको तुरंत मिल गया है, तो क्या है रोग संक्रमित मच्छर काटने से नहीं होता है, तो कौन सा नहीं होगा, तो 38 का क्या हो जाएगा इबोला हेमरिज बुखार नहीं होगा, ए होगा। निम्नलिखित में से कौन खदानों में से मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो कौन हो जाएगा, तो 39 का, तो 39 का सिंगरौली है, मध्य प्रदेश में है। उसके बाद बिहार सरकार की युक्ति का योजना का उद्देश्य क्या है, तो 40 का क्या हो जाएगा, तो 40 का हो जाएगा आपको
बिहार सरकार के युक्ति योजना, तो इसका भी क्लियर नहीं है, इसको मैं आगे बताऊंगा। उसके बाद 41, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में होते हैं तो कौन हो जाएगा, दोनों सदनों के क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ निर्वाचित सदस्य होंगे, ये हो जाएगा इसका आंसर। 41 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद 42 का देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स सुटेबल फॉर्म इट्स कोल्ड दिल्ली आईसी विंड मिनिमम टेम्परेचर बिलो 5 डिग्री सेल्सियस कोल्ड वेव टू कंटिन्यू, तो इसका क्या हो जाएगा 42 का, तो 42 का क्या हो जाएगा, आर ब्रिगनिंग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर ब्रिगनिंग। उसके बाद ऊर्ध्वाधर व क्षैतिज आरक्षण के बीच अंतर क्या होगा, द सेंटेंस कैन बी ट्रांसलेटेड इंटू इंग्लिश, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा, व्हाट इज द डिफरेंट बिटवीन वर्टिकल एंड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका। 44 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 45 का देखते हैं, भारतीय संविधान के कौन सा अनुका मूल अधिकार है जो कि दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है, तो आपको इसका आंसर क्या हो जाएगा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ए हो जाएगा। अब आते हैं 45 नंबर क्वेश्चन, इसको खोजता हूँ मैं, सीरियली वाइज बता दे रहा हूँ कि लोगों को दिक्कत ना हो, फिर दोबारा ये क्वेश्चन नहीं आए। 45 नंबर क्वेश्चन मिला, और ऐसा बाजार जिसमें लेन देन भविष्य में किसी खास समय पर संपन्न होगा तो कहा जाता है, तो 45 का क्या हो जाएगा आपको, तो 45 का आपको हो जाएगा वायदा बाजार हो जाएगा। मुइनुद्दीन चिश्ती के मुख्य शिष्य कौन थे, तो 46 का क्या हो जाएगा, शेख फरीदुद्दीन थे, कौन थे, ए हो जाएगा। और किसी रेखा जिसके दिक अनुपात 1-2-3 के दिक कोज्या क्या है, तो इसका क्या हो जाएगा आपको, +-1/√14 हो जाएगा। और फिर है जो कि प्लस माइनस वाला हो जाएगा, तो ये दोनों में बी और सी में कोई होगा। फिर है प्लस माइनस है जो कि √2/14 हो जाएगा, फिर प्लस माइनस हो जाएगा, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं, निम्न में से कौन सा राज्य की उत्पत्ति के बल का सिद्धांत है, तो 48 का क्या हो जाएगा, ओपेनहाइमर हो जाएगा। निम्न में से धातु वजन में सबसे हल्की कौन सी है, तो 49 का क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लिथियम, बी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र का प्रारूप, राष्ट्रसंघ का प्रारूप किस सम्मेलन में तैयार किया गया था, तो 50 का क्या हो जाएगा, सेंट फ्रांसिस्को सम्मेलन में। 51, प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तनांक क्या होता है, तो 51 का क्या हो जाएगा आपको, फर्स्ट मतलब चांदी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रजत, वी हो जाएगा। अब आते हैं 52 नंबर, देखते हैं क्वेश्चन कहाँ है, 52 नंबर क्वेश्चन मिल गया है, तो ये क्या है, दिए गए रेखा चित्र पर सीमांत उपभोग की प्रकृति क्या होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर इसका, इज राइजिंग मतलब बढ़ रही है, बी। फिर आपको रीड द फॉलोइंग पोएम एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो द वाई चूजिंग फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर थीम ऑफ द पोएम, तो इसका क्या हो जाएगा आपको, मदर लॉसिंग देयर आइडेंटिटी। उसके बाद क्वेश्चन है आपको, ऑफ द गिवन कैटेगरी विच लैंग्वेज रजिस्टर्ड डज द गिवन फॉल इनटू, वुड यू ऑल प्लीज ऑप्टिम अवे, तो 54 का क्या आंसर हो जाएगा आपको, फॉर्मल आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष इकाई किसकी है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत कम मिले हैं इसमें, तो ये दूरी की हो जाएगी। उसके बाद है जो कि आपको दिया हुआ, रीड द फॉलोइंग पैसेज द करेक्ट आंसर द क्वेश्चन फ्रॉम द बिलो द फॉलो, तो क्या है, व्हाट इज द ऑथर मेन पर्पस इन पैसेज, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका पैसेज हो जाएगा टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ सनस्पॉट्स, ये हो जाएगा इसका आंसर। उसके बाद आते हैं 57 नंबर क्वेश्चन, देखते हैं कहाँ है, 57 नंबर क्वेश्चन मिल गया है ये भी, तो सूचकांक के बारे में कौन सा सही नहीं है, तो 57 का क्या हो जाएगा, तो सूचकांक है जो कि निरपेक्ष है, जो कि परिवर्तनों को मापता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय, ये बहुत देर के बाद आसान क्वेश्चन आया, तो हाजीपुर हो जाएगा, मतलब इसमें आसान क्वेश्चन खोजने पड़ते हैं,
उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यालय से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, तो मतलब डी हो जाएगा, संसद के दोनों जो कि सदनों के सिफारिश पर राष्ट्रपति, तो मतलब सी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी, नहीं होगा सी हो जाएगा। उसके बाद डाइक्रोमेट द्वियायन में, ये भी मैंने क्वेश्चन जो पूरी तरह साइंस जो पढ़े उन्हीं के लिए, जो कि अभी केमिस्ट्री में, तो 60 का क्या हो जाएगा, इसमें 6 Cr मतलब बी हो जाएगा, वो बंद है जो कि समकक्ष है। XeOF4 निम्न में से कौन सी ज्यामितियों को दर्शाता है? इतने कड़े क्वेश्चन तो मैंने भी कभी सेट नहीं किए हैं, इतने टफ क्वेश्चन हैं। 61 का क्या हो जाएगा, तो 61 का इसको देखना पड़ेगा, बाद में मैं इसको बताऊंगा। उसके बाद 62, द एबव सेंटेंस मीन्स, तो 62 का क्या हो जाएगा, द ओल्ड मैन डाइड, मतलब डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्लों के साथ अभिक्रिया करने में H2 नहीं देती है? 63 का क्या हो जाएगा आपको, कॉपर हो जाएगा, बी हो जाएगा। 64 नंबर, अब देखते हैं क्वेश्चन कहाँ है। नंबर है मैथ्स है, 0.1 का स्क्वायर है, 0.01 का स्क्वायर 0.001 प्लस 2 के बराबर की। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा समय भले लगेगा लेकिन कम से कम आसान क्वेश्चन है जो कि आपको बन जाएगा। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा आपको, 101 हो जाएगा, ए हो जाएगा। शरीर में पानी की कमी से होने वाली स्थिति का वर्णन क्या, ये भी आसान क्वेश्चन है। 45 का क्या हो जाएगा, 65 का, तो आपको इसमें निर्गलीकरण मतलब डिहाइड्रेशन हो जाएगा, ए हो जाएगा। पेरेस्ट्रोइका का क्या आशय है, तो इसका आशय क्या, पूर्ण निर्माण है जो कि हो जाएगा, ए हो जाएगा। यदि एक्स वस्तुओं का मूल्य वायु हो तो जेड वस्तु का मूल्य क्या हो जाएगा, 67 का, तो 67 का आपको वाई जेड हो जाएगा, वाई एक्स हो जाएगा, डी हो जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ, तो 68 का क्या हो जाएगा, तो 68 का आपको सच्चिदानंद सिन्हा, सी हो जाएगा। हीरा और ग्रेफाइट क्या, ये बहुत आसान क्वेश्चन फिर मिला है, कार्बन के अप्रूफ हैं, ये हो जाएगा। और निम्न में से कौन सी मुद्रा का प्राथमिक कार्य है, ये मैंने कई बार है जो कि सेट में दिया था ये क्वेश्चन, तो मूल्य के माप हो जाएगा, ये हो जाएगा। उसके बाद यदि एक्स और वाई प्रकृति, एक्स प्लस वाई बराबर टू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 71 का, तो 71 का एक्स बराबर वाई हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा। अब आते हैं 72 नंबर, खोजते हैं कहाँ पर है, थोड़ा सा आपको परेशानी हो सकती है क्योंकि बार बार है जो कि, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप, वाताग्रों के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो इतने लंबे पढ़ने में कितने लोगों का, तो इसमें क्या हो जाएगा, वायुदाब व तापमान है जो कि तीव्र वायुदाब, मतलब डी हो जाएगा, तीव्र वायुदाब व तापमान प्रबणता वाताग्रों की विशेषता है। 73, बिहार राज्य विधानमंडल प्राकलन समिति का कार्यकाल कितना होता है, तो 1 वर्ष का होता है, मतलब डी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं राजनीतिक परिघटना के अध्ययन की दार्शनिक विधि है, तो 74 का क्या हो जाएगा, तो 74 का आपको, ये भी क्वेश्चन है जो कि बाद में मैं इसको बताऊंगा। 75 नंबर, निम्न में से कौन से धातु हाइड्रोक्साइड सबसे कम क्षारीय है, तो कौन सा हो जाएगा, MgOH2 हो जाएगा, मतलब ए हो जाएगा। उसके बाद स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर 2000 रिपोर्ट 2019 के भारत में भौगोलिक क्षेत्रफल का किस राज्य में बनाच्छादित द्वितीय न्यूनतम है, एक तो क्वेश्चन भी 2019 का आ रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा कि परीक्षा 2021 में हो रही है और ये सेट जो है जो कि 2019 का बहुत ही पुराना क्वेश्चन पूछा गया, मतलब करेंट अफेयर्स का कोई मतलब ही नहीं रहा है इसका मतलब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, पंजाब हो जाएगा, डी हो जाएगा, मतलब बहुत ही टफ क्वेश्चन है, मान कर चला जाए तो BPSC भी इसके सामने फेल है। उसके बाद आते हैं 76 के बाद 77 नंबर क्वेश्चन पर, देखते हैं कहाँ पर है। 77 है आपको, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड चूज करेक्ट आंसर है, क्वेश्चन दिया हुआ इसी के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट पैराग्राफ अमेरिकन का मतलब क्या हो जाएगा, तो अमेरिकन का क्या हो जाएगा, प्रीफर एक्टिव टू पैसिव हो जाएगा, प्रीफर पैसिव टू एक्टिव, सॉरी डी हो जाएगा, एक्टिव वॉइस हो जाएगा डी। 2019-20 में भारत सेवा की समृद्धि दर का आकलन है, तो 78 का, तो 78 का क्या हो जाएगा आपको, 6.9 मतलब सी हो जाएगा, प्रतिशत हो जाएगा। उसके बाद जब एक पारदर्शी पटिका पर अध्रुवित प्रकाश 60 डिग्री पर आपतित होता है, तो अपरिवर्तित किरणें पूर्ण समतल ध्रुव पर प्राप्त होती है, तो पटिका का अपवर्तन गुण एवं परावर्तन कोण क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 1.732 30 डिग्री। अंक 0
1, 4, 5, 7 का प्रयोग ना करते हुए तीन अंकों को कितनी संख्या में बनाए, अधिक अंकों की पुनरावृत्ति अनुमति ना हो, तो 80 का क्या हो जाएगा, तो 80 का आपको 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा। मनुष्य के कंकाल तंत्र में जो कि कितनी हस्थियाँ होती थी, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत 206 हड्डी हो जाती है। फिर ये टफ क्वेश्चन फिर आ गया, A101, तब A1n मान क्या है, जब n कोई प्राकृतिक संख्या है तो जो पूरी तरफ बनाते हैं वही सही कर सकते हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको वो जो कि ये 82 का है, इसको भी मैं बाद में बताऊंगा। 83 नंबर क्वेश्चन अब देखता हूँ आ गया है, तो 83 क्या है, भारत में रोमन व्यापारियों बस्तियों का अवशेष जो कि कहाँ पर है, तो 83 का क्या हो जाएगा, अरिकमेड, मतलब डी हो जाएगा। log 10 degree, log 2 degree प्लस log 10 89 degree का मान क्या हो जाएगा, तो 84 का क्या हो जाएगा, तो 84 का आपको 0 हो जाएगा, बी हो जाएगा। भारत संविधान के केंद्रीयकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया है, तो 85 का क्या हो जाएगा, आइवर जेनिंग्स, मतलब सी हो जाएगा। लाल किताब आंकड़े उपलब्ध करवाती है, तो 86 का क्या हो जाएगा, विलुप्त प्राय रेड डाटा बुक जो है पादप एवं जंतुओं के। यूरोप में साम्यवाद के पतन का प्रमुख कारण क्या है, तो 87 का क्या हो जाएगा, तो 87 का आपको क्या हो जाएगा, 87 पॉवर्टी ऑफ प्रेजेंट्री, मतलब बी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 2 मोल की आदर्श एकल परमाणु गैस का नियत दाब पर 1 डिग्री सी से ताप बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का मान, तो 88 का जो कि क्या हो जाएगा, तो 88 का तो इसको जो कि बाद में बताऊंगा। उसके बाद 89 अरुण कमल की कविता संबंधित पहली पुस्तक है, तो अपनी केवलधार है जो कि। उसके बाद इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट कवर 2019, भारत की संरक्षित वन श्रेणी वास्तविक क्षेत्र सर्वाधिक है, तो 90 क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश में हो जाएगा, मतलब बी हो जाएगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहाँ पर है, नंबर क्वेश्चन मिल गया है, तो 1 dx है, x square plus 1 के बराबर है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसको भी जो कि बाद में बताऊंगा, टफ क्वेश्चन है, इसको बनाना पड़ेगा। उसके बाद टमाटर का लाल रंग है जो कि किसके कारण होता है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, तो टमाटर का लाल रंग है जो कि किसके कारण होगा, तो आपको लाइकोपीन के कारण होगा। उसके बाद आते हैं मोहन राकेश साहित्य अकादमी किस कृति के लिए दिया गया है, तो किस कृति के लिए दिया गया है, तो 93 का क्या हो जाएगा, तो इसको भी है जो कि देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। 92 निम्न में से कौन सा स्वतंत्रता अधिकारों के उत्पाद के लिए जो कि किया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको भी बाद में देखते हैं। केंद्रक के अभिरंजन किस अभिरंजक का उपयोग किया जाता है, तो किस है जो कि अभिरंजक का किया जाता है, तो उसके बाद अगला भी देखते हैं। जैव विविधता का है जो कि शब्द है जो कि किसने दिया है, तो विल्सन ने दिया है, किसने दिया है, विल्सन ने दिया है। फिर नेत्र का कौन सा भाग है जो कि उसके अंदर घुसने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है, तो कॉर्निया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका आंसर कॉर्निया, बी हो जाएगा। उसके बाद आते हैं कॉर्क कोशिका की भित्ति पर जमा हुआ पदार्थ क्या हो जाएगा, तो सुवेरिन, मतलब क्या हो जाएगा, लिग्निन हो जाएगा, डी हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के भारत में राज्यवार लंबाई की दृष्टि से हुआ जहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसको देखना पड़ेगा। और इस इधर क्वेश्चन कुछ बता देता, मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए दिया गया, तो अंधेरे बंद कमरे, बी हो जाएगा। और देखते हैं क्वेश्चन, टमाटर का हो ही गया, केंद्रक के अभिरंजन का है जो कि सेलुलोज हो ही गया। तो कुछ क्वेश्चन है जो कि बहुत टफ थे और अभी तक मिले भी नहीं हैं, जो मिला था उसको मैंने जो कि बताने का कोशिश किया था।
ये क्वेश्चन है जो कि आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद। और जो क्वेश्चन नहीं मिला वो आप लोग खोज लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन है जो कि आप